संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 23। कहते हुए ईसा पर अभियोग लगाने लगे। हमें पता चला कि यह मनुष्य हमारी जनता में विद्रोह फैलाता है। कैसर को कर देने से लोगों को मना करता और अपने को मसीह राजा कहता। पिलातुस ने ईसा से यह प्रश्न किया, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? ईसा ने उत्तर दिया, आप ठीक ही कहते हैं। तब पिलातुस ने महायाचकों और भीड़ से कहा, मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता। उन्होंने यह कहते हुए आग्रह किया, यह गलीलिया से लेकर यहां तक यहूदिया के कोने कोने में अपने शिक्षा से जनता को उकसाता है। पिलातुस ने यह सुनकर पूछा कि क्या यह मनुष्य गलीली है और यह जानकर कि यह हेरोद के राज्य का है, उसने ईसा को हेरोद के पास भेजा। वह भी उन दिनों यरूशलेम में था। ईसा को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। वह बहुत समय से उन्हें देखना चाहता था, क्योंकि उसने ईसा की चर्चा सुनी थी और उनका कोई चमत्कार देखने की आशा करता था। वह ईसा से बहुत से प्रश्न करता रहा, परंतु उन्होंने उसे उत्तर नहीं दिया। इस बीच महायाजक और शास्त्री जोर जोर से ईसा पर अभियोग लगाते रहे। तब
तब हेरोद ने अपने सैनिकों के साथ ईसा का अपमान तथा उपहास किया और उन्हें भटकीला वस्त्र पहना कर पिलातुस के पास वापस भेजा। उसी दिन हेरोद और पिलातुस मित्र बन गए। पहले तो उन दोनों में शत्रुता थी। पिलातुस ने महायाजकों, शासकों और जनता को बुलाकर उनसे कहा, आप लोगों ने यह अभियोग लगाकर इस मनुष्य को मेरे सामने पेश किया कि यह जनता में विद्रोह फैलाता है। मैंने आपके सामने इसकी जांच की, परंतु आप इस मनुष्य पर जिन बातों का अभियोग लगाते हैं उनके विषय में मैंने इसमें कोई दोष नहीं पाया। और हेरोद ने भी दोष नहीं पाया क्योंकि उन्होंने इसे मेरे पास वापस भेजा है। देख रहे हैं कि इसने प्राणदंड के योग्य कोई अपराध नहीं किया है। इसलिए मैं इसे पिटवा कर छोड़ दूंगा। पर्व के अवसर पर पिलातुस को यहूदियों के लिए एक बंदी रिहा करना था। वे सब के सब एक साथ चिल्ला उठे, इसे ले जाइए, हमारे लिए बरब्बस को रिहा कीजिए। बरब्बस शहर में हुए विद्रोह के कारण तथा हत्या के अपराध में कैद किया गया था। पिलातुस ने ईसा को मुक्त करने की इच्छा से लोगों को फिर समझाया, किंतु वे चिल्लाते रहे, इसे क्रूस दीजिए, इसे क्रूस दीजिए। पिलातुस ने तीसरी बार उनसे कहा, क्यों इस मनुष्य ने कौन सा अपराध किया है? मैं इसमें प्राणदंड के योग्य कोई दोष नहीं पाता, इसलिए मैं इसे पिटवा कर
छोड़ दूंगा, परंतु वे चिल्ला चिल्ला कर आग्रह करते रहे कि से क्रूस दिया जाए और उनका कोलाहल बढ़ता जा रहा था। तब पिलातुस ने उनकी मांग पूरी करने का निश्चय किया। जो मनुष्य विद्रोह और हत्या के कारण कैद किया गया था और जिससे वे छुड़ाना चाहते थे, उसने उसी को रिहा किया और ईसा को लोगों की इच्छा के अनुसार सैनिकों के हवाले कर दिया। जब वे ईसा को ले जा रहे थे तो उन्होंने देहात से आते हुए सीमोन नामक कुरेने निवासी को पकड़ा और उस पर क्रूस रख दिया, जिससे वह उसे ईसा के पीछे पीछे ले जाए। लोगों की भारी भीड़ उनके पीछे पीछे चल रही थी, उनमें नारियां भी थी जो अपने चाते पीटते हुए उनके लिए विलाप कर रही थी। ईसा ने उनकी ओर मुड़कर कहा, यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए मत रो, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो, क्योंकि वे दिन आ रहे हैं जब लोग कहेंगे धन्य है वे स्त्रियां जो बांझ है, धन्य है वे गर्भ जिन्होंने प्रसव नहीं किया, और धन्य है वे स्तन जिन्होंने दूध नहीं पिलाया। तब लोग पहाड़ों से कहने लगेंगे, हम पर गिर पड़ो और पहाड़ियों से हमें ढक लो, क्योंकि यदि हरी लकड़ी का हाल यह है तो सुखी का क्या होगा। वे ईसा के साथ दो कुकर्मियों को भी प्राण दंड के लिए ले जा रहे थे।
वे खोपड़ी के जगह नामक स्थान पहुंचे, वहां उन्होंने ईसा को और उन दो कुकर्मियों को भी क्रूस पर चढ़ाया। एक को उनके दाए और एक को उनके बाएं। ईसा ने कहा, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। तब उन्होंने उनके कपड़े के कई भाग किए और उनके लिए चिट्ठी निकाली। जनता खड़ी होकर यह सब देख रही थी। नेता यह कहते हुए उनका उपहास करते थे। इसने दूसरों को बचाया, यदि यह ईश्वर का मसीह और परम प्रिय है तो अपने को बचाए। सैनिकों ने भी उनका उपहास किया। वे पास आकर उन्हें खट्टी अंगूरी देते हुए बोले, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने को बचा। ईसा के ऊपर लिखा हुआ था, यह यहूदियों का राजा है। क्रूस पर चढ़ाए हुए कुकर्मियों में एक इस प्रकार ईसा की निंदा करता था, तू मसीह है ना, तो अपने को और हमें भी बचा। पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तुझे ईश्वर का भी डर नहीं? तू भी तो वही दंड भोग रहा है। हमारा दंड न्याय संगत है, क्योंकि हम अपनी करनी का फल भोग रहे हैं। पर उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। तब उसने कहा, ईसा जब आप अपने राज्य में आएंगे तो मुझे याद कीजिएगा।
उन्होंने उससे कहा, मैं तुमसे यह कहता हूँ, तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होंगे। लगभग दोपहर हो रहा था, सूर्य के छिप जाने से तीसरे पहर तक सारे प्रदेश पर अंधेरा छाया रहा। मंदिर का पर्दा बीच से फटकर दो टुकड़े हो गया। ईसा ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, पिता मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंपता हूँ, और यह कह कर उन्होंने प्राण त्याग दिए। शतपति ने यह सब देखकर ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, निश्चय ही यह मनुष्य धर्मात्मा था। बहुत से लोग यह दृश्य देखने के लिए इकट्ठे हो गए थे, वे सबके सब इन घटनाओं को देखकर अपनी छाती पीटते हुए लौट गए। उनके सब परिचित और गलीलिया से उनके साथ आई हुई नारियां कुछ देरी पर से यह सब देख रहे थे। सभा का यूसुफ नामक सदस्य निष्कपट और धार्मिक था। वह सभा की योजना और उसके षड्यंत्र से सहमत नहीं हुआ था। वह यहूदियों के अरिमथिया नगर का निवासी था और ईश्वर के राज्य की प्रतीक्षा में था। उसने पिलातुस के पास जाकर ईसा का शव मांगा। उसने शव को क्रूस से उतारा और चालटी के कफन में लपेट कर एक ऐसी कब्र में रख दिया जो चट्टान में खुदी हुई थी और जिसमें कभी किसी को नहीं रखा गया था। उसी दिन शुक्रवार था और विश्राम का दिन आरंभ हो रहा था।
जो नारियां ईसा के साथ गलीलिया से आई थी, उन्होंने यूसुफ के पीछे पीछे चलकर कब्र को देखा और यह भी देखा कि ईसा का शव किस तरह रखा गया है। लौटकर उन्होंने सुगंधित द्रव्य तथा विलेपन तैयार किया और विश्राम के दिन नियम के अनुसार विश्राम किया। Latest videos and updates. Like, share and subscribe. For instant notifications, press the bell icon.